हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और आज हम जो नोटिफाइड लिस्ट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, उसे पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले पार्ट में हमने सेक्शन 9.1 किया था, दैट इज व्हाट इज मीन ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। उसके बाद हमने 9.4 किया था कि हम अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दी जाती है तो उस केस में क्या करेंगे। मैंने आपसे कहा कि अभी वो नोटिफाइड प्रॉपरली नहीं हुआ है, उसमें लिस्ट नहीं आई है, लेकिन उसमें ये कहा जाता है जैसे एक चाय वाला है, अगर वो मुझे चाय पिलाता है तो वो GST कैसे लगा के दे सकता है, नहीं दे सकता। तो इस केस में मुझे उसके बिहाफ पे GST पे करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रॉपरली अभी नोटिफाइड नहीं है। 9.4 नैन हमने 9.5 डिस्कस किया था, ईको ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिसमें हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। मेनली तीन बातें पढ़ी थी, एक तो कैब के लिए पढ़ा था, एक होटल के लिए पढ़ा था, मैंने उस पर चार्ट भी बनवा के दिया था, एक हाउस कीपिंग के लिए भी पढ़ा था हमने टॉपिक साथ में। उसमें फिर हमने ये बात की थी कि अगर ईको इंडिया में प्रेजेंट नहीं है तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। मान लो अगर ईको प्रेजेंट है तो वो अपनी लाइबिलिटी खुद से फॉर्मेलिटी जो है पूरी करे, वो नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव है वो मेंटेन करे। अगर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो उस केस में मैंने आपसे डिस्कस किया कि उसे एक पर्सन हायर करना पड़ेगा ऑन हिज बिहाफ कि वो सारी फॉर्मेलिटीज जो भी GST की है भारत में उसे पूरा कर सके। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, हम हैं नोटिफाइड केस सेक्शन 9.3 के पास, जहाँ पे जो नोटिफाइड लिस्ट है इसे हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये जो आपकी लिस्ट है ओवरऑल कंप्लीट है। अब जैसे ये यहाँ पे 5A दे रखा है, तो आज मैं ये डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है, 5A। और ये लास्ट में दो एंट्रियाँ यहाँ पे देखेंगे, 5, 17, 18, ये एक्चुअली 5B है और ये 5C है। सर, क्या ये नंबर याद रखें? नहीं सर, हमें बस लॉजिक्स एंड मीनिंग्स याद रखने हैं, लॉजिक्स और मीनिंग्स की क्या होने पे क्या होता है, बस हमें इतना याद रखना है। और उसके बाद एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सभी दोस्त स्टडी मेट के जो क्वेश्चंस हैं लास्ट में जो दिए हैं टेस्ट और नॉलेज वाले क्वेश्चंस, वो सभी चेक करें, ठीक है सर। इससे क्या होगा, ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस आएगा। देखो सर, इनकम टैक्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, GST में बहुत कम क्वेश्चन है, तो वो कम क्वेश्चन ही 10-5 क्वेश्चन ही होते हैं हर चैप्टर में, कम से कम वो करके जाएं आप लोग। एंड सेकंड थिंग, इस दौरान सर बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी पढ़ नहीं रहे, उन सभी से गुजारिश है कि सर देखो बहुत ज़्यादा तो आप नहीं पढ़ सकते। मैं भी मानता हूँ कि इन हालातों में 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। कुछ बच्चों के तो इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे कि सर वी कैन डू स्टडी राइट नाउ, डोंट वरी। बट कुछ बच्चों ने कहा कि सर देखो सबके घर में इतने कमरे नहीं होते कि पर्सनल कमरा हो, हम लॉक करके प्रॉपर पढ़ाई कर सकें। हमें फैमिली वहीं पे खाना भी बन रहा है, पापा का मम्मी भी हैं, भाई भी है, छोटे भाई बहन भी हैं, और उसी के बीच में कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग टीवी चला रहे हैं, कुछ का फ़ोन आ जा रहा है, तो पढ़ाई नहीं हो पा रही। आई कैन अंडरस्टैंड ऑल द सिचुएशंस। बस यही कहूँगा सर, दो ही चीज़ हम इस सिचुएशन में कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके स्टेप्स ले सकते हैं, एंड सेकेंड खुद पे बिलीव रखना है कि हर हालात में मुझे जीतना है, ये हम कर सकते हैं। और सर इसी चीज़ के लिए एक चीज़ बोलूँगा कि देखो सर, एक मेरा यूट्यूब पे दूसरा चैनल भी है, यहाँ पे आप जब विनीत मिश्रा सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो ये फोटो भाई साहब की लगी हुई आएगी। उस पर मैं डेली आपके कोरोना वायरस से रिलेटेड, मतलब कोरोना वायरस की न्यूज़ नहीं होती, मोटिवेशनल होता है समथिंग, कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ समथिंग, कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे, कोई भी सिचुएशन हो हर हालात में हमें आगे बढ़ना है। सर अभी कल एक बच्चे से बात हो रही थी मेरी, आप बोलोगे सर ये सब क्यों बता रहे हो, जरूरी है आपका जानना। तो उस बच्चे ने कहा कि सर हमने मतलब क्लासेस ले रखी थी, तो उन टीचर ने इसका कॉल किया, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को दे रखा था फ़ोन, और असिस्टेंट को दे रखा था, फिर उन्होंने बोला हमने कि सर हमारी बुक्स भी नहीं है, क्लास भी नहीं है, तो क्या करें। तो उन्होंने बोला भैया देखो मेरी फैमिली मेम्बर ने बोला है मुझे कि मुझे सेफ़ रहना है, और मैं सेफ रहूँगा तभी उनका ख्याल रख पाऊँगा फ्यूचर में भी, मैं अनसेफ हो गया तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो माफ़ी चाहूँगा, कोरोना वायरस के चलते भी ये नहीं कर पा रहा। तो देखो सबके अलग अलग हालात हैं, सिचुएशंस हैं, और मैं बस यही कहूँगा मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैंने अपनी फैमिली से ये बोल रखा है, अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं क्लासेस बनाते बनाते ही मरना चाहता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। अगर कोरोना वायरस फैलता है या बहुत ज़्यादा ही कुछ भी होता है तो मैं आपको भी यही पैशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको भी कुछ होता है बाई चांस, एज्यूमिंग 0.00001%, आपके दिल से भी यही आवाज़ निकलनी चाहिए कि मैं पढ़ते हुए ही अपनी सांस को, अपनी बॉडी को छोड़ के जाऊँगा। इट मीन्स इन द अदर सेंस में ये कहना चाहता हूँ, काम करते करते ही APJ अब्दुल कलाम सर की जब डेथ हुई तो वो लेक्चर ले रहे थे। समझिए आप कि परिस्थितियाँ गलत हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन इतनी भी अगेंस्ट नहीं हो सकती कि आपको आपसे अलग कर दे और आप वो हो जो आप अपने दिमाग में अपने बारे में सोचते हो। You have to do whatever you want. मुझे पता है सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है, 10-12 घंटे 14 घंटे लास्ट मंथ ऑफ एग्जाम चल रहा है,
एग्ज़ाम आने वाला है, अभी तक ICAI को नोटिफिकेशन नहीं आई, लेकिन एक काम तो हम कर ही सकते हैं, पता है क्या? खुश रहना, और खुश मन से 1-2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, थोड़ा भी, जितना भी हो सके कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को कल से आज में 2%, 4%, 10%, 20%, 50% इम्प्रूव कर सकें। जो कर पा रहे हैं उनके लिए बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड ऐसे ही लगे रहे। जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पुशअप कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाइए। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन से। ये जो ऊपर लिखा है सर, कोई जरूरी नहीं है। सर क्या ये सीरियल नंबर आपने जो दिए हैं ये जरूरी है? नहीं सर, जरूरी नहीं है। आप इसे किसी भी तरीके से याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसका आंसर कीजिए, दैट्स इट। आइए सर, सबसे पहली नोटिफिकेशन के पास आते हैं हम लोग। इसका नाम है सप्लाई ऑफ सर्विस। सर सप्लाई ऑफ गुड्स क्यों नहीं है? सर सप्लाई ऑफ गुड्स भी था, लेकिन वो आपके सिलेबस से हटाया गया है, वो एक्चुअली सी ए फाइनल में रखा गया है। तो इंटर लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे आप CS कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, तो इसी इंटरमीडिएट लेवल पे ही रखा गया है, फाइनल लेवल में गुड्स को रखा गया है। सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस में सर किसकी बात हो रही है, आइए देखते हैं। तो सर सप्लाई कौन दे रहा है? सर सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में आप सीख चुके हैं, यहाँ पे बात हो रही है सर्विस की, ठीक है। सर्विस क्या होता है वो भी मैं आपको पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे बात करिए, एक GTA है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सर गुड्स भिजवाने का काम, मतलब गुड्स कैसे कोई कहाँ भिजवाता है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल पे एनालिसिस ना करें। कुछ बच्चे होते हैं एग्जाम्पल पे एनालिसिस करें, होते सर ऐसा हुआ तो, भाई ऐसा हुआ तो, नहीं हुआ तो, अभी नहीं बात करेंगे, अभी हम समझेंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सपोज अमेजोन है, अमेजोन से अभी मैंने दीप त्रिवेदी की कुछ बुक्स का सेट मंगाया था, 6 बुक का सेट था, उस पे है मैं कृष्णा हूँ समथिंग, ऐसी कुछ बुक है, 6 बुक का सेट था। मैंने सोचा कि चलो कोरोना वायरस है, मैं कुछ और अपनी नॉलेज इंप्रूव करूंगा, नॉलेज बढ़ाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। अब उस दौरान क्या हुआ कि उन्होंने बोला टुमारो भेजेंगे, फिर लॉकडाउन आ गया, फिर उन्होंने बोला टुमारो भेजेंगे, फिर लॉकडाउन था, फिर उन्होंने पूछा टुमारो भेजेंगे, फिर उनका मैसेज आया कि सर हम आपके पैसे आपको रिफंड कर देंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दी, ये है मैसेज है मेरे पास प्रॉपरली, अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि लॉकडाउन के टाइम में हम आपको नहीं भेज पाएंगे। तो सर ये क्यों बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ GTA, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये जो भी लोग गुड्स भेजते, सर गुड्स क्या होता है? क्या ये देखिए सर, एक पानी की बोतल मेरे पास रखी है, क्या ये गुड्स है? एक देखो ओपलर का एक फैन रखा हुआ है, ये मैंने मंगाया था, दिख रहा है क्या? अच्छा यहाँ दिख रहा है, ये देखो सर इसका क्या फैन का फायदा है, इतना छोटा फैन, एक्चुअली ये नॉइज नहीं करता, जैसे मैं आपको लेक्चर बना रहा हूँ अभी तो मैंने चला नहीं रखा है, लेकिन जब पसीने ज्यादा होते तो मैं हल्का सा चला देता हूँ, तो वो नॉइस माइक ना कैच नहीं करता। जो लाइट्स लगा रहे हैं क्या ये गुड्स है? हाँ। जो ये कैमरा है क्या ये गुड्स है? हाँ। तो सर जो इसको ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मतलब जो इसको आप तक पहुंचाता है, हम उस एजेंसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आप इतनी देर से इसलिए बता रहे थे ताकि हमारे दिमाग में सेट हो सके गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या है। जी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वो एजेंसियां होती है जो आप तक आपके सामान को पहुंचाते हैं। तो सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो बता ही दिया ना मैंने आपको, जो भी एजेंसी आप तक आपका सामान भिजवाते हैं। लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, मोदी जी कोरोना वायरस के दौरान कह रहे हैं कि आपके घर पे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको 1,000 रुपये दिए जाएंगे, प्लस उन्होंने ये भी कहा कि आपके घर राशन पानी जो है वो आता रहेगा, तो राशन पानी आपके घर तक लाया जाएगा। कौन लाएगा? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। आई जस्ट टेकन एन एग्जाम्पल टू कीप इन योर माइंड, आप समझिए हालात को, सिचुएशन को। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, हम बात कर रहे हैं उन उन ट्रांसपोर्टेशंस की जो कि गुड्स को आप तक पहुंचाते हैं रोड के द्वारा, बाय रोड। ये क्या कह रहे हैं? हम उसकी बात कर रहे हैं जो कि आपके घर गुड्स पहुंचाया जाता है ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा और रोड का प्रयोग करते हैं। सर यानी इसमें फ्लाइट नहीं आएगी क्या? नहीं। क्यों नहीं आएगी सर? क्योंकि यहां पर रोड लिखा हुआ है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं जो रोड के थ्रू आप तक आपका गुड्स आता है। ओके, तो सर यहां पर क्या लिखा गया, यहां पर क्या लिखा गया सर? बाय रोड। सर ये था बाय, बाय मतलब ये हो गया सप्लायर, ठीक है, ये सप्लायर है, ठीक, सप्लायर है GTA। सप्लायर कौन है सर? GTA, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ओके, नाउ हेयर इज अ लिस्ट अबाउट, हेयर इज द लिस्ट। सर इसमें अमेंडमेंट भी है, ध्यान सुनिएगा, इसमें अमेंडमेंट भी है, मैं अभी एड ऑन करूंगा, हमारी बुक में प्रिंट आउट है, आप देखिएगा, कुछ अमेंडमेंट्स जो थी जो आ चुकी थी वो अपडेटेड है, कुछ RTP के थ्रू आई है, तो वो मैं लिखवा दूंगा आपको अभी जस्ट नाउ, ठीक है। एक लेक्चर पूरा RTP की अमेंडमेंट पे ही डिस्कस करूंगा, इसमें अमेंडमेंट हैं तकरीबन 4-5 बातें मुझे स्पेशली अमेंडमेंट के थ्रू बतानी है, इसमें तकरीबन मुझे आधे घंटे से 40 मिनट चाहिए, 2 लेक्चर चाहिए इस, ये जो आपको 18 पॉइंट्स दिख रहे हैं मुझे इसे समझाने के लिए,
ठीक है सर, ये 18 पॉइंट्स जो दिख रहे हैं इन्हें समझाने के लिए, प्लस मुझे दो लेक्चर और लगेंगे, एक या दो लेक्चर, मतलब तीन से चार लेक्चर सिर्फ इस लिस्ट पे मैं लगाने वाला हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 95% चांसेस होते हैं आते हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान सुनिएगा। तो ये सप्लायर है जीटीए, रिसीवर ऑफ दी सर्विस कौन है? आइए सर बात करते हैं, रिसीवर, रिसीवर कौन इस सर्विस को ले रहा है? तो सर इसे ले रहा है एक रजिस्टर्ड फैक्ट्री, सर एक फैक्ट्री जो कि रजिस्टर्ड है, एक सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि जीएसटी में कवर्ड है। अब इतना सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा देखते हुए, आप ऐसे लिख दो, वो पर्सन जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक। तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे लिख लो, अगर एग्जाम में अगर ये पूछ ले आपसे, अच्छा मैंने ई पॉइंट भी कट कर दिया क्या, सॉरी ये इतना कट करना था बस आपको, ठीक है। मैं क्यों इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जाए, तो एक ऐसा पर्सन जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, ये रिसीवर है, ओके ठीक है, हटाता हूँ मैं इसे यहाँ से। तो सर जीएसटी में क्या क्या रहता है? सर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब जीएसटी के पार्ट है। तो एक ऐसा पर्सन जो जीएसटी में कवर्ड है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ऐसा पर्सन जीएसटी में कवर्ड है, ठीक है, एनी पर्सन, ठीक है। टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि किसी भी लॉ, एनी लॉ, मतलब आपने तो कंपनी लॉ पढ़ रखा है बट अदर लॉ भी इस इंडिया में है जो कि बॉडी कॉर्पोरेट को इन्वॉल्व करने के लिए, मतलब रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन देते हैं। तो किसी भी लॉ के अंदर अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड है, एस्टैब्लिश है वो, और बाकी पार्टनरशिप फर्म के लिए कहा गया है, पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, एनी लॉ इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए एक ऑप्शन रखा गया है यहाँ पे, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि भैया वो रजिस्टर्ड है और वो रजिस्टर्ड नहीं है, दोनों ही केस में वो यहाँ पे आएगी, ओके। टू एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सर ये क्या होता है इन फ्यूचर सेकेंड रिविजन में ये आपको क्लियर हो जाएगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, इसके बारे में फ्यूचर ऑन पढ़ेंगे, ओके। नाउ ए टू जी हमने पॉइंट पढ़े, सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में पढ़ा, हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ा, हमने फर्म के बारे में पढ़ा, हमने एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में पढ़ा, हमने एक ऐसे पर्सन के बारे में पढ़ा जो कि आपके जीएसटी में कवर्ड है, उसके बाद हमने बात की फैक्ट्री जो कि कवर्ड है, कॉपरेटिव सोसाइटी की बात कर ली, बाकी आई थिंक सारी बातें हमने कर ली। ये वो लोग हैं जो सर्विस को रिसीव कर रहे हैं। तो मेरे एंगल से पहले दो बातें समझिए, सप्लाई ऑफ सर्विस दी गई चुन्नू को, दी गई किसको दी गई? चुन्नू, एक बार बोलो किसको दी गई? चुन्नू। चुन्नू की छुट्टियां बड़ी लंबी है, ठीक है सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? इससे क्या होगा, दिमाग में रिकॉल आएगा। तो चुन्नू की छुट्टियां बड़ी लंबी है, उसने अपनी छुट्टियां को झाड़ने के लिए कंघा मंगवाया, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। अब वो क्या हुआ, क्या वो जो कंघा मंगवा रहा है क्या वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा? आंसर इज नो सर, वाई? बिकॉज ही इज नॉट कवरिंग इन दिस लिस्ट। तो अल्टिल यू आर नॉट कवरिंग इन दिस लिस्ट, यू आर नॉट इन अ आरसीएल, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में सीखा था, रिसीवर ऑफ द सर्विस, जो सर्विस रिसीव करेगा, गुड्स रिसीव करेगा, वो जीएसटी कंप्लायंस फॉलो करेगा, वो जीएसटी पर टैक्स देगा। अगेन अंडरस्टैंड वट आई वॉन्ट टू शेयरिंग विथ यू, आर सी एम में हमें क्या पढ़ना होता है कि सप्लायर नहीं रिसीवर इसमें जीएसटी कंप्लायंस फॉलो करता है। इसमें कौन कंप्लायंस फॉलो करता है? वो बंदा जो कि सर्विस रिसीव करता है। कौन बंदा टैक्स पे करता है? वो बंदा जो कि सर्विस रिसीव कर रहा है। तो सर्विस की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे सिलेबस में यही गुड्स सी एफ आई एल में, ओके। तो मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपने डीटीडीसी से सर्विस ली, मतलब मैंने आपके पास जीएसटी की बुक भिजवाई, जो भी कोर्स आपने बाय किया, शायद टॉप 20 या कॉस्टिंग अकाउंट जो भी, अब आपने बाय किया, आपके पास बुक आई, आपने डीटीडीसी से आपको बुक आई, तो क्या आरसीएम के अंदर वो स्टूडेंट जिस बच्चे ने मेरे से बुक खरीदी वो जीएसटी पे करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस लिस्ट में कवर्ड नहीं है। अच्छा सर, मेरे दिमाग में एक बात आई, आप 15 मिनट से ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि अगर हम इस लिस्ट में कवर्ड है तभी आरसीएम लगेगा, यानी अगर जीटीए से सर्विस ली किसी रजिस्टर्ड फैक्ट्री ने तो जीटीए टैक्स नहीं पे करेगा, रजिस्टर्ड फैक्ट्री टैक्स पे करेगी। इसी लाइन को हर लाइन के लिए बोलो, दिमाग में याद हो जाएगा। जीटीए से अगर सोसाइटी सर्विस लेगी तो सोसाइटी टैक्स पे करेगी, जीटीए पे नहीं करेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी से
अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर सर्विस लेती है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्स पे करेगी, जीटीए टैक्स पे नहीं करेगा। अगर कोई भी पर्सन जीएसटी में कवर्ड है, जैसे मैं कवर्ड हूँ, मेरे पास डीटीडीसी का बिल आता है, इस मंथ का जो बिल था फेब मंथ का 1,73,000 या 76,000 का बिल था, 1,73,000 या 6,000, क्योंकि मैंने कुछ ऑफर वगैरह लॉन्च किए थे, फ्री बुक ऑफ जीएसटी या फिर मैंने ऐसी समथिंग कुछ पे किया था, तो इतनी बुक्स गई थी लिटरली यू कांट बिलीव कि मुझे 1,76,000 का आया था। मेरा रिजर्व सरप्लस जो था पहले दिवाली हो गया, अगर मुझे पता होता कोरोना वायरस के चलते मार्केट डाउन होने वाला है, ऑर्डर्स नहीं आने वाले, तो मैं नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं, गीता में लिखा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं कवर्ड हूं तो मेरे को ये प्रोविजन लग सकता है, ठीक, रिसीवर ऑफ द सर्विस पे दी टैक्स, तो वो सर्विस दे रहा है सप्लायर, रिसीव कौन कर रहा है, मैं, तो मैं टैक्स देता हूं इस केस में। इसके ऊपर अभी थोड़ा सा और लॉजिकली मैं आपको दिखाऊंगा, आप चाहो तो वो बिल भी दिखाऊंगा जो उनका आया था। समझिए पहले सिचुएशन समझिए, अभी उनका बिल जो था समथिंग 1,10,000 के आसपास का था, आई एम जस्ट एस्टिमेटिंग एन अमाउंट, फिर उन्होंने 18% जोड़ के उसे 1,73,000 के आसपास का, मतलब उन्होंने फिर 30% सर्विस जोड़ी, फिर टैक्स जोड़ा, जो भी था 1,77,000 दिया। मैंने पूछा सर मतलब पैसे तो कम पड़ रहे हैं मेरे पास, क्या कुछ ऐसा तरीका है जिसके थ्रू मतलब मुझे पैसे कम देने पड़े। उन्होंने कहा सर आप बिल मत लो सर, उससे क्या फायदा होगा, आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब जीएसटी का अमाउंट कम हो जाएगा। सर आपने क्या किया, सर मैंने जीएसटी वाला बिल लिया, क्योंकि आई वॉन्ट टू डू वर्क, ऑल माई वर्क विथ लीगल प्रोविजन्स, विद द लीगल रिक्वायरमेंट, सो आई डू दैट। ओके सर, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड है, सुनिएगा, पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड है, दोबारा से बोलिए, पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड है या नहीं है, दोनों ही केस में अगर आप सर्विस ले रहे हो, तो आपसे ये कहा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप आरसीएम के अंदर टैक्स पे करें, बाकी कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसके लिए। मतलब दो कैटेगरी निकल के आई, अगर सप्लाई ऑफ सर्विस दी जा रही है किसी ऐसे बंदे को जो ए टू जी में कवर्ड है, तो वो आरसीएम के अंदर टैक्स पे करेगा, अगर ए टू जी में कवर्ड नहीं है तो आरसीएम में टैक्स पे नहीं करेगा, डीटीडीसी या जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी खुद अपने आप से टैक्स पे करेंगे। अब कुछ बच्चे मुझे मैसेज करेंगे सर डीटीडीसी जीटीए में कवर्ड होती है, सर अमेजोन जीटी में कवर्ड होता है जो उन्होंने गुड्स भिजवाया है, सर आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल टू मेमोराइज इन योर माइंड, दैट्स इट, मैंने बस कोशिश की आपको याद करवाने की। तो आप एग्जाम्पल का एनालिसिस मत कीजिए, आप एनालाइज करना इस प्रोविजन पे कीजिए ताकि आपको ये ज्यादा देर तक याद रहे। ओके नाउ कम टू माय फ्रेंड, मैं आपको एक चीज दिखा दूं, यहां पे लास्ट में यहां पे अमेंडमेंट ऐड किए, अमेंडमेंट में क्या किया, ए टू जी तो था ही था, ए टू जी के बाद भी कुछ बातें हैं, तेरे सुनिएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल नॉट अप्लाई। सर ये कब के लिए है, सर ये मई 20 एंड नवंबर 20, ठीक है सर, दोनों ही 2020 जो भाई साहब एग्जाम दे रहे हैं आपके लिए अप्लीकेबल है, कृपया करके ध्यान सुने। सर ये तो मई 21 के लिए अप्लीकेबल नहीं, भैया एक बार लग गया तो लग गया, ये सबके लिए, अब जो भी आ रहे हैं बच्चे सबको पढ़ना है, ठीक। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल नॉट अप्लाई टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए, सर्विस किसने दी, जीटीए ने, बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और गुड्स कैरेज बाय रोड टू, किसको दी है, अब है टू, किसको दी है, सर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, स्टेट गवर्नमेंट को दी है, यूनियन टेरिटरी को दी है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी के किसी डिपार्टमेंट को दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी के किसी एस्टेब्लिशमेंट को दी है। तो इस केस में आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, यानी यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, यहाँ पे 9(1) यानी फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा, अगर ए टू जी की लिस्ट प्लस ये अमेंडमेंट, ठीक है, ए टू जी की लिस्ट में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, इस अमेंडमेंट में क्या अप्लाई होगा, फॉरवर्ड चार्ज, नॉर्मल चार्ज। अगर उसने चुन्नू को सर्विस दी, जिसने चुटिया अपनी लंबी करने के लिए कंघी और तेल मंगवाए थे, वो 9(1), ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हो आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लोकल अथॉरिटी को आपने सर्विस दी, फॉरवर्ड चार्ज, नॉर्मल चार्ज लगता है यहाँ पे, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है क्या लगता है, यहाँ पे नॉर्मल चार्ज लगता है। सर फर्दर इट मे बी नोटेड दैट दैट सेड सर्विसेज हैव बीन साइमल्टेनियसली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स, और इस बात का और ध्यान रखें कि इसको एग्जेम्प्ट किया गया, तो एग्जेम्प्ट कहाँ किया गया, उसके लिए एग्जेम्पशन का एक चैप्टर है, वहां पे हम प्यार से डीप में डेप्थ में समझेंगे। और यहाँ पे कहा गया विच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन द सीजीएसटी एक्ट, उन्होंने सीजीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन ही इसलिए लिया है ताकि वो आपका टीडीएस काट सके। तो सर दो यहाँ पे एक ही एक एक मीनिंग इस अमेंडमेंट से याद रखनी, केस स्टडी आएगी कुछ भी, कि अगर जीटीएस सर्विस देता है किसी भी
डिपार्टमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ने बनाया, या फिर वो सर्विस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को, या तो वो किसी भी लोकल अथॉरिटी को दे रहा है या फिर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को दे रहा है, तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगता, वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगता है, 91 यानी नॉर्मल चार्ज वहाँ पे लगाया जाता है। ओके ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। बाकी एक चार्ट और है यहाँ पे, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर यानी इस लेक्चर के बाद का जो लेक्चर होगा उसमें मैं डिस्कस करके दूंगा, अभी नहीं करके दूंगा। ओके चलिए सर ऊपर आते हैं। तो सर आपने पॉइंट नंबर 1 बता दिया क्या? सर बता दिया, क्या नहीं बता चुका हूं। सर ये भी कुछ है, सर ये उस चार्ट का पार्ट है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। सर अभी बता दो ना, एक्चुअली अभी आपका दिमाग इतना मैच्योर नहीं हुआ है, अभी जब आप एक दो बार और पढ़ोगे तो मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद मैं इसको एड ऑन करूंगा, एक साथ से एड ऑन कर दूंगा, तो हो सकता है आपका दिमाग गुस्सा हो जाए, या फिर आप ये बोलो मास्टर अच्छा नहीं पढ़ाता, मास्टर अच्छा ही पढ़ाता है, लेकिन आपके ऊपर भी होता है कि आपका माइंड का स्टेबिलिटी लेवल क्या है, आप किस एंगल से पढ़ रहे हो, किस रिस्पेक्ट से मुझे देख रहे हो, किस रिस्पेक्ट से ये वीडियो देख रहे हो, उतना ज़्यादा और आपको समझ में आएगा। ठीक चलिए सर, नाउ सर्विसेज सप्लाई, सर्विस सप्लाई की गई है सर, किसने दी है सर? एक इंडिविजुअल एडवोकेट ने दी है, ठीक, एक फर्म ऑफ एडवोकेट ने दी है, ठीक, या फिर एक सीनियर एडवोकेट ने दी है, ठीक। तो सर सर्विस सप्लाइड किसने दी? सर ये हो सकता है आपका इंडिविजुअल एडवोकेट, आपका सीनियर एडवोकेट, या फिर एक फर्म ऑफ एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट इन्होंने सर्विस दी है, ठीक है सर। सर कौन सी सर्विस दी है? सर हमने लीगल सर्विस दी है, मतलब ऐसी सर्विस जिसको लीगल कहा जाता है वो लीगल सर्विस होती है। सर क्या होती है लीगल सर्विस की मीनिंग आप देख लेना, ठीक। अच्छा सर अब ये सर्विस किसको दी है? तो मैं इसके लिए दो ऑप्शन रखता हूं, एक आपने ये दी है बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी मतलब वो लोग जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, सर ज्यादा पैसा सर 20 लाख 40 लाख अच्छा पैसा कमा रहे हैं बिजनेस एंटिटी, ठीक। या फिर एक दिया आपने अदर देन बिजनेस एंटिटी, अदर देन बिजनेस एंटिटी। तो यहां पर क्या कहा गया है जरा समझिएगा कि भैया ये इस तरीके से अगर मानो ये लोग हैं तो एक तरीके से इस पे तो टैक्स जाता ही नहीं, कहा जाता है कि फॉरवर्ड चार्ज पे करो, नॉर्मल चार्ज पे करो, तो जाता ही नहीं, इसको एग्जेम्पशन मान लो। ये वो लोग हैं जिसे हम कह सकते हैं गरीब लोग, मैंगो पीपल, आम इंसान, ठीक। और एक हो गया बड़े लोग, बड़े लोग यानी बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी का केस है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। सर ये चार्ट से तो आपने सब क्लियर कर दिया, हाँ एक बार इसको रिकॉल करते हैं दिमाग पे, एकदम दिमाग में। हाँ अगर एक एडवोकेट है, ठीक है, एक एडवोकेट है, उसके बाद यू कैन सी एक एडवोकेट है, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, यहाँ मैं नेट ऑफ कर दूँ वरना कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन फालतू आती रहेगी, ऑफ कर दिया मैंने, यस। एक एडवोकेट है, एक फर्म ऑफ एडवोकेट है, एक सीनियर एडवोकेट है। सर सीनियर एडवोकेट और एक एडवोकेट में क्या अंतर होता है? यार सीनियर उसको कहते हैं जिसको एक्सपीरियंस आ जाता है, जिसने 10-20 केस डील कर लिए, ठीक है, नॉर्मल यही समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इतना ही जरूरी है, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो लॉयर हो जाएंगे, हमें लॉयर नहीं बनना, वी आर जस्ट अ स्टूडेंट, मैं आप सभी स्टूडेंट, बस वी हैव टू फोकस ऑन लर्निंग, ओके। तो एक एडवोकेट है, एक सीनियर एडवोकेट है और एक फर्म ऑफ एडवोकेट है। सर कैमरे में देख के बोलो, एक एडवोकेट है, एक सीनियर एडवोकेट है, एक फर्म ऑफ एडवोकेट है, इन्होंने लीगल सर्विस दी, लीगल सर्विस दी। अब मान लो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, ठीक है, तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस, सर मेरे कार का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दो, मैं एक नॉर्मल इंसान, मैं बिजनेस एंटिटी नहीं हूँ, नहीं हो तो आप टेंशन मत लो, ये टेंशन उनको लेनी है, रिवर्स चार्ज में वो कवर्ड है जो बिजनेस एंटिटी है। मतलब अगर ये तीन भाई, पहला भाई एडवोकेट, दूसरा भाई सीनियर एडवोकेट, तीसरा भाई फर्म ऑफ एडवोकेट, ये अगर लीगल सर्विस देते हैं किसी भी बिजनेस एंटिटी को तो उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। ओके सो नाउ आई थिंक यू कैन रीड हेयर फ्रॉम हेयर, लीजिए सर अब ये आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। नाउ पॉइंट नंबर 3, सर्विस सप्लाइड। सर सर्विस किसने दी? सर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने। किसको दी? सर बिजनेस एंटिटी। सर क्या हुआ? सर ये केस हमें थोड़ा समझाओ। सर देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये है सप्लायर ऑफ सर्विस, दिस इज कॉल्ड रिसीवर ऑफ सर्विस, सप्लायर ऑफ सर्विस और ये है रिसीवर ऑफ सर्विस, ठीक। तो इन दोनों में हुआ क्या, लेट्स सपोज गांव में पंचायत है, पंचायत मुखिया जी, सरपंच जी, दो भाइयों में लड़ाई हो रही है, बैल किसकी, खेत किसका,
कितनी बैल है तुम्हारे पास? भैया दो गाय हैं, दो बैल हैं, तो एक गाय एक बैल तुम ले लो, एक गाय एक बैल तुम ले लो। सर खेत है कितना? सर सर 400 बीघा, 200 बीघा तुम ले लो, 200 बीघा तुम ले लो। सर हमारे पापा ने एक घर बनाया था, इसमें 4 कमरे हैं, 2 कमरे तुम ले लो, 2 बोरे ले लो। बहन भी है सर हमारी, तो दोनों मिलकर उसका खर्चा 50-50% बियर कर लो। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होती है कई बार, ये एज लाइक अ पंचायत। तो यहाँ पे अगर पंचायत किसी नॉर्मल इंसान के चंगू मंगू के किस्से को सुलझा रही है तो वहां पे वो टैक्स नहीं चार्ज करती। लेकिन अगर यही वो सर्विस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो सर्विस देती है बिजनेस एंटिटी को, किसको देती है? बिजनेस एंटिटी को, यानी अमीर लोगों को, बप्पा लोग, मालदार पार्टी। हाँ, तो उस केस में जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो सर्विस तो देगी, लेकिन रिवर्स चार्ज के बेसिस पे बिजनेस एंटिटी जो है वो जीएसटी के ऑल कंप्लायंस फॉलो करेगी, प्लस जो टैक्स पे करना है वो बिजनेस एंटिटी करेगी। ओके सर, आप बहुत अच्छा समझा रहे हो, मतलब मुझे भी ऐसा पढ़ाते हुए फील आ रहा है कि आप बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हो। थैंक यू ब्लेसिंग्स है सारी आपकी। चलिए पॉइंट नंबर 4, सर्विसेज सप्लाई। सर बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप, एनी पर्सन ने ऑनरशिप, सॉरी स्पॉन्सरशिप जो है उसकी फैसिलिटी दी है, सर्विस दी है। किसको दिया है सर? किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, पार्टनरशिप फर्म को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में कवर्ड है, यानी इंडिया में। हाँ सर, ये मतलब समझो, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दो तो बड़ा मजा आए। लेट सपोज सर, ये ऊपर आप देख रहे हो मेरे, एक मिनट, ये यहाँ ऊपर सीए ड्रीमर्स द एवेंजर का लोगो लगा हुआ है, ठीक। अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मतलब मेरे पास अन अकेडमी से कॉल आया था, मतलब ऐसा मुझे नहीं लग रहा कुछ ऐसा पर्सनल है कि मैं कुछ गलत शेयर कर रहा हूँ, वरना कुछ बोलते कॉल क्यों शेयर किया, मैं बता रहा हूँ फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे पास बोला कि सर आप हमें ज्वाइन कर लो, हमारे मतलब साइट पे, हमारे मतलब ऐप पे आपके लेक्चर शो होंगे, फिर आपका ना मतलब पॉपुलेशन बढ़ जाएगा एकदम, मतलब फिर आप बहुत सारा पैसा छापोगे, और हम आपकी आने जाने की फ्लाइट बुक करते हैं, आप बोलो सर कब आ रहे हो। मैंने कहा नहीं आ रहा भैया, सॉरी। क्यों नहीं आ रहा भैया? अपना अपना स्टाइल, मुझे अपना सेल्फ करना है तो सेल्फ कर रहा हूँ। सर क्या वो बुरी जगह? यार बुरा और अच्छा नहीं होता, पॉलिसीज होती है अपनी अपनी फॉलो करने की। अच्छा सर, सर ये वाला केस समझा जो समझा रहे थे। हाँ, तो उन्होंने मेरे से बोला कि सर आपको क्या करना है, एक कॉल आया, मतलब अलग अलग टीम होती है उनकी, एक कॉल आया, उन्होंने बोला सर आपको अनअकैडमी की टी शर्ट पहननी है, ये जो आप दिख रहे हो ना सर डोले शोले वाले भाई साहब इस टी शर्ट में, ये नहीं पहनना आपको। हाँ, मैं उधर इसलिए दिख रहा हूँ कि हाँ वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा, एक्चुअली वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, दिख रहा है उस पर मॉनिटर पे, हाँ मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो ये कैसा आ रहा है? तो वो कह रहा है अनअकैडमी की टी शर्ट पहन लो, एक अनअकैडमी का ऐड कर देना, ऐड मतलब वीडियो स्टार्ट होने से पहले, जैसे मैं बोल रहा था ना मोटिवेशन चैनल सब्सक्राइब करो, उन्होंने बोला कि आपने मतलब कि एक ऐड कर देना कि हम अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा ऐप है, आप लोग डाउनलोड करो, ये करो वो करो, आपको पैसा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्सरशिप। क्या कहलाता है? स्पॉन्सरशिप। लेट सपोज ये ना मेरे पास एप्पल का फोन, ठीक, iPhone 11 Pro। स्टीव जॉब्स की सर से कॉल आया, ठीक है, मतलब एप्पल कंपनी से कॉल आया, विनी सर हाँ सर आप बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हो सर, मतलब वीडियोस भी अच्छे चल रहे हैं सर, आप ना इस एप्पल फोन के लिए बोल दो कि जो बच्चा इस फोन से पढ़ेगा वो जल्दी पास हो जाएगा, मतलब इस फोन से पढ़ने पे मतलब कुछ भी ऐसा बना के बोल दो कि बच्चा जो है ना वो परचेज कर ले सर, 15-20 भी फोन बिक गए सर, तो मतलब एक फोन अगर 1.5 लाख का है तो 20 फोन 30 लाख समथिंग कुछ हो जाएंगे सर, तो 30 लाख आ जाएगा सर, एक फोन आपको फ्री हमारी तरफ से, स्पॉन्सरशिप। समझ पा रहे हैं आप? तो मेरे चैनल के थ्रू या फिर मैंने कोई भी किया, लेट सपोज मैं मोटिवेशन स्पीकर हूँ, मेरा सपना है, बुक भी लिख रहा हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस पर, कंटेंट नहीं बताऊंगा, बुक लिख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा ऑथर बनूँ, मैं बुक्स लिख रहा हूँ, मतलब वो बुक लाइफ के रिलेटेड है, ये नहीं है अकेडमिक रिलेटेड नहीं है, तो उस बुक में मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं कुछ अच्छा अच्छा कंटेंट डालूँ। अब मैंने इसमें एक बहुत अच्छा मोटिवेशन स्पीकर बन गया, मेरे यहाँ पे लाखों लोग आए हैं ऑडियंस के तौर पे, सभी मुझे सुनने आए और मैं चला गया, हेलो दोस्तों कैसे आप सब है, आज स्टार्ट करेंगे मोटिवेशनल लेक्चर। अब वहाँ पे बैनर लगे हुए हैं एप्पल कंपनी के, वीवो कंपनी के, एयरटेल कंपनी के, मोदी जी के, और सबने मेरे को पैसे दिए। हाँ, किसी ने 1 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 50 लाख, किसी ने 60 लाख, किसी ने 1 करोड़। तो ये स्पॉन्सरशिप है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एनी पर्सन, यानी विनीत मिश्रा जी ने स्पॉन्सरशिप करने के लिए आपको कहा, आओ सर स्पॉन्सरशिप मतलब क्या है, मैं आपको प्रमोट करूंगा, ठीक है, मतलब या तो आप अपने बैनर लगवा लो या मेरे मुंह से कुछ बुलवा लो, अच्छा पैसे लूंगा सर उसके। तो एनीबडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फर्म है जो कि टैक्सेबल टेरिटरी है, तो अगर आप ये सर्विस ले रहे हो, सर सर्विस कैसे ली, आपका पंपलेट लगाया मैंने, आपका नाम लगाया, आपकी टी शर्ट पहनी, आपके लिए बोला, तो आप मेरे से सर्विस ले रहे हो और आप मुझे पैसे दे रहे हो,
तो इससे आपका क्या फायदा? बिजनेस एंटिटी का फायदा यह है, बॉडी कॉर्पोरेट का फायदा यह है, पार्टनरशिप फर्म का फायदा यह है कि इन लोग का नाम सब लोग जान जाते हैं, इनकी गुडविल बन जाती है, मेरे थ्रू गुडविल ये लोग बना रहे हैं, तो इस चीज के लिए वो मुझे पैसे देते हैं। तो इस पे कहा गया कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स आप लोग देंगे। जोरदार तालियां हो जाए, आपके दिमाग में जा चुका है कॉन्सेप्ट। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा थैंक यू कहिएगा कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। हाँ, नाउ फिफ्थ पॉइंट, सर्विसेज सप्लाइड। किसने की सर? सेंट्रल गवर्नमेंट ने की, स्टेट गवर्नमेंट ने की, यूटी ने की, लोकल अथॉरिटी ने की, मतलब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का परिवार, मैं तो इसको ऐसे बोलता हूँ, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का परिवार। किसको कर रहे हैं सर? सर बिजनेस एंटिटी को। मतलब अगर गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस दी और बिजनेस एंटिटी जो है वो इंडिया में है, टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया में है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर गवर्नमेंट टैक्स नहीं देगी, बिजनेस एंटिटी टैक्स देगी। ठीक है सर, बिजनेस एंटिटी इस पर टैक्स देगी, आप गवर्नमेंट सर्विस ले रहे हो तो। ठीक है सर, एक्सक्लूडिंग इसमें क्या क्या शामिल नहीं होता? सर क्वेश्चन है एक्सक्लूडिंग इसमें क्या क्या शामिल नहीं होता। सर पहला बात तो यही आनी चाहिए सर, क्यों शामिल नहीं होता? क्योंकि ये सारी सर्विसेज गवर्नमेंट जो है वो नॉर्मल पर्सन को भी देती है, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया। बाकी बिजनेस एंटिटी को जो भी स्पेशल सर्विस दी जा रही है उस पर वो खुद से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स देगी, इसमें शामिल नहीं है। बिजनेस एंटिटी जी इसमें शामिल नहीं है, क्या क्या इसमें शामिल नहीं है? पहला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट करने का मतलब क्या है? इमूवेबल मतलब जो मूव नहीं कर सकती। लेट सपोज DDA के फ्लैट्स हैं, लेट सपोज गवर्नमेंट का फ्लैट है। अभी मोदी जी एक अभियान निकाले हुए थे, आवास योजना, मोदी आवास योजना, तो उसमें वो घर अलॉट करवा रहे थे, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको अलॉट की जा रही है वो इसमें कवर नहीं है। एंड कुछ सर्विसेज नहीं है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जिसमें स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट आएगा, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस, एजेंसी की सर्विस किसी भी पर्सन को दे रहे हो आप अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब पहली चीज तो इसको थोड़ा सा ना इस तरीके से पढ़ो, जब आप ये पढ़ रहे हो तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, अदर मतलब कि टू अ पर्सन तक इसको कवर करो कि गवर्नमेंट ने ये सर्विस दी। किसको दी सर? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस दी, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस दी, एजेंसी की सर्विस दी, किसी भी पर्सन को, मतलब आम नागरिक, आम नागरिक को दी, तो वो इसमें कवर नहीं है। कवर नहीं है यानी RCM नहीं लगेगा, मतलब इस पर RCM मत लगाना, ये कहने का मतलब है इस पर RCM मत लगाना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मत लगाना। ओके, फिर गवर्नमेंट ने सर्विस दी एयरक्राफ्ट की, वेसल की। सर अभी कोरोना वायरस के चलते मोदी जी ने कहा है कि भैया 21 दिन का लॉकडाउन है, टुडे इज द Day 3 जहां पे मोदी जी ने लॉकडाउन के लिए कह रखा है। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान सुनेगा कि मान लो ये कोरोना वायरस एग्जांपल ले रहे हैं, 6 महीने तक नहीं रुक पाया, सभी लोग घर में, तब क्या होगा? तब मोदी जी किसी ना किसी तरीके से भोजन पहुंचाएंगे एयरक्राफ्ट के थ्रू, वेसल्स के थ्रू, आपके घर तक खाना पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा है कि आप लोग घर से बाहर मत निकलो, हम लोग आपके घर खाना पहुंचाएंगे। तो ये उसी के लिए कह रहे हैं, कोई भी सर्विस है इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट की, वेसल की, इनसाइड मतलब उसके आसपास, आउटसाइड दी डिस्टेंस ऑफ अ एयरपोर्ट, या फिर एयरपोर्ट से बाहर की सर्विस कुछ भी है ऑफ एन एयरपोर्ट, तो इसको भी नहीं रखा गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। तो ये भी रिवर्स चार्ज में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं आता। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, गुड्स को भेजना है, पैसेंजर को भेजना है, ये भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी करा रही है तो इस पर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। ओके, इनको छोड़कर, इन तीन बातों को छोड़कर, मतलब ये जो ओवरऑल पॉइंट्स हैं सब, तीन नहीं होगा, ये दो में भी तीन है, मतलब ओवरऑल चार है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चार पॉइंट। इन चारों पॉइंट को छोड़ के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस देती है तो वो RCM में कवर्ड है, लेकिन अगर ये सर्विस देती है तो वो RCM में कवर्ड नहीं है, यानी इस पे फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज ही लगना चाहिए। ओके सर, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो वो एक बार आप पढ़ लेना, आपके काम आएगा। नाउ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, 5A है यहाँ पे, 5A में पढ़ लेता हूँ आपके लिए। ये कहता है कि सर्विस सप्लाई बाय किसने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, लोकल अथॉरिटी, और रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर CGST एक्ट। सर ऊपर तो आपने मना किया, ऊपर मैंने मना किया बिजनेस एंटिटी के लिए, यहां मैं कवर्ड कर रहा हूं उस बंदे को जो GST में रजिस्टर्ड है,
सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, पापा और दादा में अंतर है। हाँ उसी तरीके से इसमें भी अंतर है। ऊपर मैंने बिजनेस एंटिटी को कहा कि आप आरसीओ में नहीं कवर्ड होंगे। मैंने क्या कहा बिजनेस एंटिटी को, आप आरसीओ में कवर्ड नहीं होंगे अगर आप ये वाली सर्विस लेते हैं, लेकिन अगर आपने जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रखा है तो आप 5A में कवर्ड हो जाएंगे। ये कहने का मतलब है, मतलब अगर उस बंदे ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, बिजनेस एंटिटी है लेकिन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, तो वो क्या नहीं कवर्ड होगा? हाँ जी नहीं कवर्ड होगा। मतलब अगर सर इसमें अगर आप बिजनेस एंटिटी नहीं हो, विनीत मिश्रा सर हाँ आपसे पूछ रहे हैं, हाँ सर बताइए आप जीएसटी में कवर्ड हो? हाँ सर कवर्ड हूँ। और मैंने अगर गवर्नमेंट से सर्विस ली है तो मेरे पे आरसीएम लग जाएगा। सर आप बिजनेस एंटिटी हो? नहीं हो। आप जीएसटी में कवर्ड हो? हाँ सर हूँ। तो आरसीएम के अंदर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, दिस इज द मीन। ओके तो सर इस पार्ट को मैं यहीं पे रखता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको मजा आ गया होगा समझ के, और मुझे पता है आप सभी यही बोलोगे सर विद फीस बनाइए। एक्चुअली सिचुएशंस होती है पर्टिकुलर, जैसे लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो मैं इन्वर्टर पे रिकॉर्डिंग तो कर सकता हूँ, लेकिन फीस को मतलब रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा ऑन, दो लाइट्स यहाँ पे ऑन, दो कॉर्नर पे ऑन, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर नहीं एडजस्ट कर पाते, इसलिए मुझे नॉर्मली वीडियो बनानी पड़ती है विदाउट कैमरा। अगर इलेक्ट्रिसिटी रहती है, सिचुएशन सही रहती है, तबीयत ठीक रहती है, तो मैं विद फेस बनाऊंगा आपके लिए। ओके एक रिक्वेस्ट, मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, डेली उस पर मोटिवेशनल वीडियो अपडेट करूंगा, देखिएगा एग्जाम तक तो डेफिनेटली देखिएगा, आगे आपकी मर्जी। और जहां तक मैंने पढ़ा है इसको रिवाइज करके आइएगा, और डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आएगा लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। अभी पता है क्या, अभी स्टाफ भी नहीं है, मतलब टीम मेंबर्स जो है नहीं है, तो मैं अकेले ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने हाथ में, यहाँ मैंने माउस ले रखा है, वहाँ वीडियो में अभी रोकूंगा, रुक जाएगा, खुद ही से कर रहा हूँ और इसी पैशन में कर रहा हूँ। घर वालों को बोल रखा है भाई कोरोना का टेंशन नहीं है मेरे को, मेरे को अपने बच्चों का टेंशन है, उनका रिजल्ट पास मेरे को सुनना है, चाहे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो या नहीं हो, एक ही चीज़ मुझे चाहिए, मेरा बच्चा पास होना चाहिए, दैट्स इट। ओके थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।